खुश हूँ और बहुत उम्मीदें हैं कि सब लोग बहुत प्यार देंगे हमारे ये नए टैलेंट को। पूरे जितने भी बच्चे हम लोगों ने और हमारी पूरी म्यूज़िक टीम ने चूज़ किए हैं, और लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ये देख के कि कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रांत अलग अलग शहरों से बच्चे आए हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम तो पूरी दुनिया जान चुकी है, मैं हूँ और साथ में शान है और अमाल मलिक हैं। कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ ये करने का? बच्चे सब बच्चों के साथ कैसे मुश्किल हो सकता है? बच्चे इस धरती की सबसे खूबसूरत रचना, क्योंकि बचपन में उनको ना तो कोई कपट होता है, ना कोई छल होता है, ना कोई समझ होती है, चालाकी होती है, मासूम होते हैं। उनको जैसे मर्जी डालो, कच्ची मिट्टी है, जिस रूप में डालो, जिस रंग में डालो, तो कोई मुश्किल नहीं आती, बल्कि और मज़ा आता है, क्योंकि उनकी छोटी मोटी शरारतें, छोटा मोटा नटखटपना, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जब इतना अच्छा गाते हैं तो दंग हो जाते हैं हम लोग, प्यारे लगते हैं। लेकिन हम लोग समझदार हैं, वो बच्चे हैं, तो हम लोगों को ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। एवरी वीक की एक जाएगा, विनर एक ही बनेगा, तो उसका सबको सामना करना पड़ेगा हर हफ्ते। जो बेहतर परफॉर्म करेगा, बेहतर गाएगा, वो उस हफ्ते रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आती, मैं यहाँ पूरा बचपन जी रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि काश मैं भी बच्ची होती। मैं तो ऑलरेडी बच्चों के जैसे बनी हुई हूँ, वहाँ पे बच्चों के साथ दोस्ती कर ली है। और But going forward, what we're planning to do, and I've been discussing it at length with Amal, we're planning to start, we have the DSC Foundation, as you are aware, we do a lot of good work through that. So any children with talent and need some help in the future, we're planning to support them and make sure we help them along the way. Also, I've seen that, you know, the guy from Nepal, when it comes to diction, it's very important of course, but at the same time it's not the be all end all, because kai baar wo unki jo apni ek lehja hoti hai, ek tone hoti hai, usme bhi ek maza hota hai, lekin of course kafi had tak hame usko correct karne mein itni aasani isliye hoti hai ki wo jis gaane ko sun rahe hain us gaane mein diction correct hai, to jab wo gaane ke sur bhi sunte hain sath sath gaane ki बोल भी लिरिक्स भी सुनते हैं, देख रहे टाइम तरह मेनी सिंगर्स इन आवर कंट्री एस्टैब्लिश्ड मैसिव सिंगर्स, अगर आप उनसे बात करें यू कैन क्लियरली टेल पंजाब से हैं, क्लियरली टेल कि बंगाल से हैं, उनकी बात करने की टोन बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब गाते हैं तो उनकी हिंदी एकदम साफ होती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। लेवल भी उठा लिया, मजा आने लगा। वो एक्चुअली मैं उसकी वॉइस है, पर अंदर से मैं भी लिटिल चैंप हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसे कहते हैं कि फ्लोर मैनेजर भी था, कोई बच्चा रुक गया रो रहा है तो उनको भी समझाओ, कभी जजेस के बीच में वो एक आदत सी हो गई, हमारे जजेस के बीच में बहुत बड़ी जंग हो चुकी थी उस टाइम पे, एक की रूम में जाके उनको मनाओ, दूसरे रूम में जाके उसको मनाओ, बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें हैं उस सीज़न की। और उस सीज़न के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं कभी किसी बच्चों की जो टैलेंट शो होती है ना, उससे मैं कभी खुद को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने खुद देखा, जो बच्चों पर जो पेरेंट्स की प्रेशर थी, बच्चों की जो लगाव है, बच्चों का जो प्यार है म्यूज़िक से, वो वही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। तभी भी बच्चे उतने ही डेडिकेटेड, उतने ही पैशनेट थे अपने म्यूजिक के लिए, अभी भी बिल्कुल उतने ही, चाहे जितना भी नया टेक्नोलॉजी आ जाए, जितने भी आज के तारीख में बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, दे आर सो कमिटेड टू म्यूजिक, तो वो बात तो सेम है, लेकिन काफ़ी बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत चेंजेस आई हैं, क्योंकि वो नया नया फर्स्ट स्टेज है, कुछ भी चीज़ जब शुरू होती है ना, तो उसमें कुछ हर नए शहर में कुछ रातें खड़ी होती हैं, ठीक ना जी। आपने जवाब खुद ही दे दिया, इट्स ऑल अबाउट सेंसिटिविटी, और बच्चे हों या बड़े हों, एक होस्ट की एक ही रिक्वायरमेंट होती है, वो है वॉर्म्थ, कि हर बच्चा जो है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो रिजेक्शन का सामना करे, वो अपने जीवन में फेलियर देखे, लेकिन ये मेरा काम है उनको ये बताना कि ये फेलियर नहीं है,
एक अपॉर्चुनिटी है, तो जिस तरह वो इस फेलियर को या इस रिजेक्शन को सेलिब्रेट करे और उनके पास मौका है हमेशा. एंड बीइंग अ चाइल्ड इज ऑल अबाउट दो सेकंड चांसेस. सो एंड दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. म्यूजिक से पढ़ेंगे हम, आप वो रिजेक्शन या वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं करता, बढ़ना काउंट करता है. एंड दैट्स व्हाट आवर जॉब इज टू टेल देम दैट दे आर